हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टिन असीम में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक वी रिटेलर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है, क्योंकि हाल ही में वी रिटेलरों के लिए वी ने एक अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके तहत सभी वी रिटेलरों का ऑटो रिफिल स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर या FSC की ज़रूरत नहीं है लोड लेने की। लेकिन ये सर्विस कब से स्टार्ट हो रही है, कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो पूरा देखिएगा। इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से रिलायंस जियो ऑटो रिफिल की सर्विस अपने सभी रिटेलरों को प्रोवाइड कर रहा है। इसके कुछ दिनों बाद ही एयरटेल ने भी ऑटो रिफिल की सर्विस अपने रिटेलरों के लिए खोल दी थी, जिसमें सभी रिटेलर का ऑटो रिफिल ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जब भी उनकी अमाउंट थर्ड होल्ड अमाउंट से नीचे जाती है, यानी कि उनके मिनिमम बैलेंस से नीचे चली जाती है, उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक उनका लोड आ जाता है। लेकिन अभी तक वी में यह सर्विस नहीं थी, वी इससे वंचित था और वी के रिटेलर इस बात से बहुत परेशान थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में वी ने एक अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत सभी वी रिटेलरों का ऑटो रिफिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर या FSC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी उनका मिनिमम बैलेंस होगा, जिससे सभी रिटेलरों को नुकसान होता है जब उनका बैलेंस लोड कम हो जाता है और उनके पास रिटेलर आते हैं और रिटेलर जब उनके पास लोड नहीं होता तो रिटेलर वापस चला जाता है। लेकिन अब यह दिक्कत उनके पास नहीं होने वाली, क्योंकि उनका ऑटो रिफिल जैसे ही उनकी अमाउंट मिनिमम होगी उनके अकाउंट में उनका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद वो FSC या डिस्ट्रीब्यूटर उनसे कलेक्ट आकर कर लेगा। तो इसी की अनाउंसमेंट वी ने आज कर दी है, जिसके तहत ये अब बात कर लेते हैं कि ये सर्विस कब से स्टार्ट होने जा रही है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली डेट बताई जा रही है वो लगभग 30 मई तक ये स्टार्ट हो सकती है। 30 मई तक आपकी ऑटो रिफिल सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और लॉकडाउन में शायद इससे पहले भी हो जाए, क्योंकि FSC या डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास लोड आकर नहीं डाल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो इसके चलते आपकी ऑटो रिफिल सर्विस हाल ही में स्टार्ट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे आपको यही अपडेट देना था। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।